खबर रतलाम से। यहां पर संदिग्ध आतंकियों के घर को तोड़ने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने का इन पर आरोप लगा है और इसके बाद आरोपियों के घर पर पहुंच गई यहां पर प्रशासन की टीम। संदिग्ध आतंकियों के घरों को यहां पर जमींदोज कर दिया गया। तो संदिग्ध आतंकियों के घर को तोड़ने पहुंची है प्रशासन की टीम। दो आरोपियों के जो रिहायश है उनके घर हैं वो जमींदोज कर दिए गए, लेकिन तीसरे आतंकी के घर पर अब पहुंची है प्रशासनिक टीम। यहां पर उसके घर पर अब बुलडोजर चलेगा, ये देखिए। तो संदिग्ध आतंकियों के घर पर पहुंच रही है प्रशासन की टीम लगातार। तो सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप इन पर लगा है। दो के मकान यहां पर तोड़ दिए गए हैं, फार्म हाउस पर भी बुलडोजर चलाया और इसके बाद तीसरे आतंकी के घर पर यहां पर टीम पहुंच गई। तो प्रशासन एक्शन मोड में। तो संदिग्ध आतंकियों के घर को तोड़ने के लिए पहुंची है प्रशासन की टीम। लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला आज दिन भर चला है। पहले दो आतंकियों के घरों को तोड़ा गया, फार्म हाउस को तोड़ा गया और उसके बाद अब तीसरे आतंकी के घर पर रिहाइश पर पहुंची हुई है प्रशासनिक टीम बुलडोजर के साथ। सुशील खरे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। सुशील, अभी क्या हालात है वहां पर और किस तरीके से प्रशासन की टीम काम कर रही है इस पूरे मामले में? सुबह से लेकर 24 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं और अभी तक लगे हुए हैं। हाँ। और ये पूरी कार्रवाई जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से चल रही है। पहले सुबह इमरान के घर के ऊपर कार्रवाई, इमरान का जो फार्म हाउस था वहाँ पे कार्रवाई हुई है। इसके हाँ। बाद में फिर कार्रवाई हुई है आमीन मोबाइल के घर पर, विक्रम नगर पे। इसके हाँ। बाद में जो जुबेर आतंकवादी जिसके साथ में विस्फोटक पकड़ा गया था उसके भाई का मकान आनंद कॉलोनी में है, इस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। इस पूरे टीम को, इस पूरे शहर पे जो कार्रवाई हो रही है इसको अंजाम दे रहे हैं जिला प्रशासन के साथ में पुलिस प्रशासन। यहाँ पे हमारे साथ अपने अपने कैमरा पर्सन से आप गुजारिश कीजिए कि आसपास के भी शॉट्स दिखाएं, वो पीछे की तस्वीरों से रूबरू करवाएं दर्शकों को कि किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है यहाँ पर। जी, और हमारे साथ में इस समय रतलाम के सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, राजेश शुक्ला जी SDM रतलाम के। सर, किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और कहाँ कहाँ अभी कार्रवाई रतलाम शहर में? इस प्रकार की जो आपराधिक तत्व हैं रतलाम के, कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं, इन पर कब तक कार्रवाई और होती रहेगी और क्या मुख्यमंत्री की मंशा है रतलाम? अभी और कितने कितने मकान और रह गए, ऐसे कितने चिन्हित और प्रतिष्ठान और भवन हैं जिन पर और कार्रवाई होना है? बिल्कुल कि 10 के आसपास की और कार्रवाई और होना है। और आपका कुछ और प्रश्न है अगर इसके अलावा तो बताएं। बिल्कुल, जरा आसपास की तस्वीरों से रूबरू करवाइए यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिहाज से कि क्या एक्शन वहाँ पर लिया जाए, किस तरीके से देखिए। ये जो कार्रवाई चल रही है यहाँ पर रतलाम प्रशासन का, APS, नगर निगम और पुलिस बल, तहसीलदार, SDM, ये सारे लोग यहाँ पर हैं। और ये नगर निगम की जो बुलडोजर तो बड़ी और गाड़ी होती है इटाची की, तो पोखली मशीन बोलते हैं जिससे कार्रवाई की जाए। जुमेर का भाई है, जो जुमेर बड़ा जो मकान है रतलाम की, सबसे बड़ी अभी जो आतंकवादियों को लेकर कार्रवाई हुई है, काफी महंगी कार्रवाई, काफी महंगी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, ये भवन है जुमेर का आनंद कॉलोनी। ये तमाम रहवासी लोग यहाँ देख रहे हैं, लोगों का भी कहना है कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और ये लोग जो रहवासी देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरा अमला एकदम तैयार है, नगर निगम के लोग तैयार हैं। ये हयात बिल्डिंग जो है इसके आसपास तमाम लोग ऐसे जो हैं जो जुबेर को उतना करीबी से नहीं जानते थे जिस प्रकार की जुबेर की घटनाक्रम चल रहे थे, लेकिन हाँ ये आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं। जुबेर अल्तमिस सैफुल्ला, आमीन मोबाइल, आमीन फावड़ा, इमरान, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई जरूरी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार जो बुलडोजर कार्रवाई है, जो अवैध अतिक्रमण है या जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उनकी संपत्ति को नुकसान, कहीं ना कहीं उनकी बोन मैरो तोड़ना प्रशासन का प्रथम कर्तव्य बनता जा रहा है। रतलाम जिले में इस प्रकार की कार्रवाई, अभी ये पांचवीं कार्रवाई है और लगभग पांच कार्रवाई और इससे बड़ी बड़ी होना है। यानी कि पांचवी अभी कार्रवाई और पांच और अपराधियों के घर अभी जमींदोज किए जाएंगे, अवैध निर्माण जमींदोज किए जाएंगे, तो एक बड़ा संदेश यहां पर अपराधियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपराधी कोई भी हो, जिला प्रशासन से SDM राइस
शुक्ला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सोमना जारी है, कमिश्नर है एसपी अभिषेक तिवारी का, चारों का एक ही कहना है कि कोई भी कुछ होता है, कुछ भी होता है, कोई भी बड़ा गुंडा जासूस अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर वही कार्रवाई होगी जो एक अपराधी ना किसी का जाति धर्म वर्ग जिस पर कार्रवाई हो देख कर कार्रवाई होगी, कार्रवाई बाजपुर जारी रहेगी, चाहे वो किसी प्रकार से किसी भी अपराधी अगर उसकी है तो उस पर कार्रवाई जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है, ये जिले में और प्रदेश में ये संदेश जा रहा है प्रदेश की सरकार के द्वारा कि कोई कितना अपराध या तो अपराध से तौबा कर ले या अपराध मुक्त इस प्रदेश को बना दे ताकि वो सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे। और इस प्रकार की घटनाएं जो पीछे ढेर लगा है मकान का, बड़ी मुद्दतों के मकान है, इस तरह की बाद में इस तरह के परिणाम न भुगतना पड़े, प्रशासन को इस तरह के परिणाम न, प्रशासन का सहयोग करे और शांति का टापू जिस प्रकार से रतलाम और प्रदेश बन चुका है उस तरह का बनाने में सहयोग करे ताकि अंत में इस प्रकार की दुर्गति ना भुगतनी पड़े। बिल्कुल, इस तरह की दुर्गति ना हो। सुशील, ये माना जाए कि यहाँ की अब कार्रवाई खत्म हो गई है और क्या बुलडोजर की वापसी हो गई है यहाँ से? आपको दिखा दें कि बुलडोजर जो पोकलिन मशीन है बुलडोजर ये जा रहा है और इसके पास में ही नीरेस्ट में एक जो अल्टमस है जो आतंकी पकड़ा गया है आरडीएस के साथ में अल्टमस है, उस अल्टमस के घर पर अभी जैसे कार्रवाई चल रही है लेकिन वहां पे छोटे बुलडोजर है उससे ये मकान उठकर नहीं पा रहा है, तो अब ये बड़े मकान से अल्टमस के घर पे ही जा रही है, लगभग 200 मीटर की दूरी पर अल्टमस का मकान है और वहां पर ये बड़ी कार्रवाई, तो लगातार ये एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इन तस्वीरों से रूबरू करवाने के लिए।